नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है बीएसएनएल की तरफ से, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक पर व्हाट्सएप मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चले दोस्तों अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बीएसएनएल ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर दूर संचार सेवा प्रदाता के रूप में बड़ी एकमात्र सरकारी कंपनी बीएसएनएल झारखंड परिमंडल के अधिकारियों के द्वारा दिए गए सहयोग राशि से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन 3 के समय में भी जरूरतमंदों की मदद करने हेतु तीसरी बार बीएसएनएल एक्सटेंड सेक्टर 2 एवं बीएसएनएल बीटीएस के नजदीक नामकुम बस्ती में खाद्य सामग्री वितरण अभियान चलाया गया। जी हाँ दोस्तों, आसपास के जरूरतमंदों को भोजन सामग्री जिसमें 5 किलो चावल, 1.2 किलो दाल, 1.4 लीटर रिफाइंड तेल, 1 किलो सोयाबीन बड़ी, 1 केजी नमक, 1 नहाने का एवं कपड़ा धोने का साबुन वितरण किया गया। इस अभियान के अंतर्गत गीता बनर्जी मुख्य महाप्रबंधक झारखंड दूरसंचार सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 20 अप्रैल 2020 को 30 एवं दिनांक 23 अप्रैल 2020 को 220 जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया गया था। एवं इस कड़ी में 5 मई 2020 को भी बीएसएनएल एक्सटेंड सेक्टर 2 के पास 25 जरूरतमंदों के बीच एवं बीएसएनएल बीटीएस के नजदीक नामकुम बस्ती के पास 100 जरूरतमंदों का राशन वितरण किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस अवसर पर बीएसएनएल झारखंड के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। इन आयोजनों की सफलता के लिए बीएसएनएल झारखंड परिमंडल एवं सभी एसएससी के अधिकारियों के द्वारा सहयोग राशि दिया जा रहा है। इस सफल आयोजन में लक्ष्मण भुइया, विकास कुमार गुप्ता, सुनील कुमार मिश्रा एवं जुनूल बोधरा ने मुख्य भूमिका अदा की। इन लोगों ने आगे बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चालू रखने की योजना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।